नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है, रेनॉल्ट का डस्टर गाड़ी है और 110 गाड़ी है, 110 PS का। तो इसमें जो कंसर्न है वो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है और कस्टमर का जो कंसर्न है सम टाइम स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो मेरे पास पहले भी गाड़ी आया था लेकिन मेरे पास गाड़ी स्टार्ट हुआ नहीं था, यानी बंद नहीं हुआ था, कहने का मतलब प्रॉब्लम आया नहीं था मेरे पास में। तो कभी मैंने स्कैनर वगैरह लगाया था और चेक भी किया था, तो उसमें प्रॉब्लम वगैरह को रियल प्रेशर का दिखा रहा था। तो उसके बाद में मेरे को पास इशू आया नहीं, मैंने 2-3 दिन गाड़ी भी रखी थी, गाड़ी को चला के भी देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो आज गाड़ी वापस अगेन आया है और कस्टम बोल रहा है कि सम टाइम स्टार्टिंग नहीं होता है। तो आज गाड़ी आने के बाद में मैंने इसको जैसे आई तो गाड़ी स्टार्ट हो रहा था, अभी स्कैनर भी नहीं लगाया और 2 घंटा का मैंने वेट किया कि गाड़ी का प्रॉब्लम आता कि नहीं आता, जब प्रॉब्लम आएगा तभी स्कैनर लगाऊंगा। तो गाड़ी मेरे पास आ गया है और गाड़ी में आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन आ रही है। तो गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हो क्रैंक कर रहा हूँ बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। इधर से भी क्रैंकिंग को दिखा देता हूँ, आवाज़ सुन सकते हो। तो ये मेरा प्रॉब्लम है और वास्तव में आज मेरे पास प्रॉब्लम आ गया है, पर एक चीज़ नोटिस करने की है कि मैंने कुछ चंद मिनटों में कुछ चीज़ नोटिस की है। आपने भी अगर वीडियो में नोटिस की है तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि मैंने फिर मैं चलो मैं फिर बता ही देता हूँ आपको कि आपने नोटिस किया नहीं किया। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात ये थी कि मैंने विदाउट कोई स्कैनर नहीं है, आप देख सकते हो, और जो प्रॉब्लम है वो मैंने कैसे पकड़ा आप देख सकते हो। तो मैं एक माध्यम दे देता हूँ आपको, जैसे आप डिस्प्ले में देखना कौन सी लाइट आ रही है नहीं आ रही, आप देख सकते हो ये जिगजैग और ये जो OBD की इंजन चेक लाइट है ये दोनों ही इंडिकेट नहीं कर रहा है, ना तो स्विच ऑन पे कर रहा है। जैसे मैं देखो स्विच ऑन करूँगा, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, कम्प्लीटली आना चाहिए, वापस अगेन स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ तो दोनों ही इंडिकेट नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा ECU से कनेक्टिविटी नहीं है, यानी माइंड में एक ऐसा चीज़ आना चाहिए कि हाँ कि मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे ही मैं विदाउट स्कैनर मेरे जैसे ही मैंने गाड़ी को चेक किया कि ये सम टाइम दिक्कत आता है कि कभी इंजन चेक लाइट आया आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पहले प्रॉब्लम इक्वल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गाड़ी में अभी दिक्कत आ रहा है। तो जैसे ही मैंने इसमें गाड़ी के अंदर बैठा, अभी स्कैनर भी नहीं लगाया और चेक किया तो गाड़ी के अंदर जैसे क्रैंक कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने देखा कि दोनों लाइटें ही नहीं आ रही इसके अंदर, तो मेरा गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होगा। तो इसमें आप जाहिर से ही बात है कि मेरा ECU से कनेक्टिविटी नहीं है, हो सकता है मेरा फ्यूज़ बर्न हो सकता है ECU खराब हो, वायरिंग खराब हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो सारे चीज़ पॉसिबल केस है। तो यही मेरा प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, पर कभी स्टार्ट हो जाता है कभी नहीं होता, ये क्या प्रॉब्लम है ये मेरे को देखने की चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो कस्टमर ये मेरा की भी है, की भी देख सकते हो, थोड़ा की भी डैमेज है मेरा, इसके बटन डैमेज है, अंदर से इंटरनल में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन चाबी का सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करना चाहिए, स्विच ऑन करने के बाद में भी अगर ब्लिंक कर रहा है तो चाबी ख़राब है आपका ये जो सिक्योरिटी लाइट है। लेकिन ये मेरा सिक्योरिटी लाइट अभी कंटिन्यू ब्लिंक नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऑफ हो गया जैसे स्विच ऑन किया मैंने। तो ये OBD चेक लाइट क्यों नहीं आ रहा है वो चीज़ ही देखना है, तभी मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले अपन बोनट ओपन करेंगे और बोनट ओपन करने के बाद में जो मेरा 15 और 30 एम्पीयर का जो इंजन ECU का फ्यूज़ है उसको चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं बाहर और फिर देखते हैं इसमें इंजन चेक लाइट आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वो भी चेक करूँगा। और दूसरी कंडीशन पहले स्कैनर भी लगाऊंगा कि स्कैन पे तो मेरा कनेक्टिविटी हो गई नहीं ECU, क्योंकि इसमें इंजन चेक लाइट नहीं आ रहा है, तो ECU मेरे को स्कैनर लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्कैनर लगाने से मेरा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होगा तो मेरे को क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है मेरा फ्यूज ही चेक करें, स्कैनर लगाने से भी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो यही चीज़ है, आपको डायग्नोज कैसे करना है और चंद मिनटों में 5 मिनट के अंदर आपको डायग्नोज, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 मिनट के अंदर आप टेक्निकल तरीके से काम करोगे, CD by CD यानी स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपका प्रॉब्लम तुरंत मिल जाएगा। जैसे मेरे इस केस में हुआ, मेरे भी पास भी टेस्ट गाड़ी आई थी तो मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं आया था और रेल प्रेशर का कोड आ रहा था, तो मैंने इसको चला के भी देखा था और 3 दिन होल्ड किया था गाड़ी को, लेकिन प्रॉब्लम आया ही नहीं मेरे पास। तो अगेन वापस कस्टमर के पास प्रॉब्लम आया और गाड़ी चल के आई है, अभी भी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन मैंने जैसे ही गाड़ी पहले स्टार्ट किया तो सही था, लेकिन जैसे मैंने 2 घंटे इसका वेट किया गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गया, जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब वापस देख सकते हो मैंने स्विच ऑन किया और लाइट आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट आ गया आपको देखते देखते आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी फ्यूज भी चेक नहीं किया आपको जैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं, और लाइट आ गया थे आप देख सकते हो। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। तो यही मेरा प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को आज देखेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। जैसे मैंने स्विच ऑन ऑफ किया और मेरा लाइट आ गया, तो एक बार वापस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं कि देख गाड़ी स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, गाड़ी स्टार्ट हो गया तो इंजन चेक लाइट आ जाएगा, तो पॉसिबल केस है कि आपका गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगा, पर इंजन का लाइट ही अगर आपका आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट केस है,
अब फिर दो तीन बार मेरे को करना पड़ेगा, एक दो घंटे होल्ड करना पड़ेगा। पहले स्कैन करके देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ ही चेक करनी है अपन को। तो ये क्यों आ रहा है बार बार देखना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा गाड़ी वैसे ही लाइट आ गया। तो ऐसे केस होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इनको एक बार ट्रेस करेंगे। हो सकता है इग्निशन स्विच ऑन ऑफ में ही प्रॉब्लम हो, तो सारी चीज़ चेक करेंगे एक बार, देखते हैं कि बैरल की तरफ से। तो गाड़ी को एक बार और स्टार्ट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा कि नहीं आ रहा। आप देख सकते हो बढ़िया एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है मेरा गाड़ी। तो ये क्यों प्रॉब्लम है इसको थोड़ा फाइंड करेंगे। तो मैंने तो अभी कुछ चेक भी नहीं किया, पर गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गया यही देखना है। तो फ्रंट का फ्यूज बॉक्स देख सकते हो, इस पर भी क्यूब वगैरह भी रखा हुआ है। इसमें फ्यूज़ बॉक्स कवर लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो। तो फ्यूज़ बॉक्स कवर लगा हुआ नहीं है, इसका सबसे पहले जो इसका मेन रिले है, जो ईसीयू से कनेक्टिविटी है, और ये मेरा ईसीएम का फ्यूज़ है 15 एम्पियर का। तो सबसे पहले इनका फ्यूज़ निकाल के चेक करेंगे। तो फ्यूज़ निकाल लेते हैं एक बार। तो फ्यूज़ का कंडीशन अभी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मॉइस्चर आया हुआ है, आप देख सकते हो वाइट वाइट मॉइस्चर, तो पानी गया हुआ है इसके अंदर। तो ये वाला भी निकाल लेते हैं, दोनों को निकाल के देखते हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें भी मॉइस्चर आया हुआ है, और फ्यूज़ की कंडीशन दिखा दूँ आपको, तो काफ़ी दोनों में मॉइस्चर वगैरह लगा हुआ है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे, और दूसरा इसमें भी देख सकते हो। तो पहले मैं एक बार फ्यूज़ को लगा देता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाद में मेरे को इलेक्ट्रिक स्प्रे से इसका लुब्रिकेंट करना है और इनको क्लीन करना है अच्छे से। तो अगर ये फ्यूज़ में दिक्कत होगा तब भी प्रॉब्लम रहेगा, तो ये मेरा रिले है, इसको चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये मेरा ईसीयू से कनेक्टिविटी रिले है। तो आप भी जब भी देखोगे तो इस रिले को ओपन करते हैं और देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इस रिले को ही दिखा देता हूँ। तो रिले ओपन कर लिया यार, आप रिले की कंडीशन देख सकते हो, रिले काफ़ी ख़राब है। और इधर से देखूँ तो इधर भी वाइट मॉइस्चर आया हुआ है, तो पानी वानी गया हुआ है। हो सकता है मेरा इंटरनल रिले ख़राब हो। तो एक बार इस रिले को निकालने के बाद में इग्निशन की लाइट देखते हैं कि उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो समटाइम लाइट आ रही है, तो ये मेरा फ्यूज़ बॉक्स कवर्ड नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसमें पानी वानी जा रहा है। तो आप यहाँ पर मॉइस्चर भी देख सकते हो, वाटर गया हुआ है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो काफ़ी थोड़ा हीट गया हुआ है, हीट मार्किंग है। और दूसरा यहाँ पर इधर वाइट देखोगे सरफेस, तो इधर पानी गया हुआ है इसके अंदर। तो एक बार इस रिले को ओपन करके भी देखेंगे, पहले प्रॉब्लम को फाइंड कर लेते हैं। तो इसको देखने के बाद में अपन चलते हैं इग्निशन मीटर के पास में। तो ये मेरा डस्टर गाड़ी है 110, ये दिखा देता हूँ आपको। तो अंदर चलते हैं, तो अंदर आने के बाद में स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो दोनों लाइट ही नहीं आ रही है। तो मैंने जैसे ही फ्यूज़ बॉक्स कवर देखना था, वापस ऑफ कर देता हूँ, ऑन करता हूँ, तो दोनों लाइट ही नहीं आ रही है। यही मेरा फॉल्ट था, और मेरा फॉल्ट क्लियर भी हो गया है, आप देख सकते हो। विदाउट मैंने भी स्कैनर भी नहीं लगाया, और सच्ची में मैं अब जो काम कर रहा हूँ वो आपके सामने कर रहा हूँ, रियल काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपको ऐसे डायग्नोस करना है। अभी मैंने स्कैनर टूल नहीं लगाया, अब बार बार मैं स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो दोनों लाइट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरा रिले स्टिक हो रहा है सम टाइम। तो अब मैं इसका सबसे पहले इसको रिले को चेक करूँगा मल्टीमीटर के द्वारा। तो आप देख सकते हो, वापस अगेन दिखा देता हूँ, मैं स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ। तो इधर से ऑन कंडीशन दिखा देता हूँ, स्विच ऑन, इधर से कुछ भी नहीं आया। वापस आप डिस्प्ले में देखना स्विच ऑन ऑफ के लिए, ये ऑन कर दिया मैंने, और ये दोनों लाइट देखो, दोनों लाइट ही नहीं आ रही है। वापस अगेन देख लो, दोनों लाइट नहीं शो कर रही है। तो यही मेरा प्रॉब्लम है, जब तक शो नहीं करेगा, जब तक गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा। तो आपको एक स्टार्टिंग का भी दिखा देता हूँ कि स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। आप देख सकते हो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिले ओपन कर रखा है, तो इसलिए स्टार्ट नहीं होगा। वापस अगेन दिखा देता हूँ, तो यही मेरा फॉल्ट है। तो आपको फॉल्ट मैंने क्लियर कर दिया, जो मेरा प्रॉब्लम है वो रिले के अंदर है। तो एक बार रिले का मल्टीमीटर से उसको सर्किट चेक करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर है कि नहीं है, और रिले का ओपन सर्किट तो नहीं है या क्लोज पोजीशन है, कोयल की क्या कंडीशन है, और कितना रेजिस्टेंस कोयल में आ रहा है, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। तो पहले ये आपको मैंने प्रॉब्लम बता भी दी, और उसको रिजोल्व भी कर दिया कि कैसे रिजोल्व करना है। तो पहले जो प्रॉब्लम थी वो फाइंड करी है हमने। तो अब इसको एक बार रिले को मल्टीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है, और उसका बीप साउंड देखना सबसे पहले कि बीप साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बीप साउंड कर रहा है तो ओके है। तो मल्टीमीटर को थोड़ा इधर रख लेते हैं, तो रिले चेक करेंगे। रिले चेक करने के लिए मेरा जो 85 और 86 है, इस पर देखते हैं कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हो 71 आ रहा है, जो कि एक अच्छे रिले का इतना ही आना चाहिए। तो रिले तो सही लग रहा है, और इधर से एक बार इसका वो भी देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अलग से रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा।
तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो रिले को चेक, रिले सही है पर बट रिले स्टिक हो रहा है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। रिले ओके, तो रिले को ऐसे चेक कर सकते हो आप। फिर मेरा सेपरेटली रिले पे वीडियो भी है, आप देख सकते हो कि रिले को कैसे चेक करना है। थोड़ा सा कैमरा की क्लियरिटी नहीं है, तो आप देख सकते हो पहले आपको 85 जो पिन नंबर है इस पर लगाना है, एक 86 पे लगाना है। तो आपको मल्टीमीटर दिखाई देता हूँ, आपको 71 आ रहा है, 71.0 कुछ ऐसे आ रहा है, तो कि सही है। इधर से कंटिन्यूटी वगैरह चेक करना, तो रिले मेरा सही है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि बार बार स्टिक क्यों हो रहा है। तो स्टिक की प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो रिले को ओपन करते हैं एक बार। तो रिले ओपन कर लिया है मैंने, आप देख सकते हो रिले में कुछ ऐसा लग नहीं रहा मेरे को। फिर भी अपन रिले चेंज करेंगे और फिर प्रॉब्लम को देखते हैं एक बार, इसी रिले का प्रॉब्लम है। तो रिले चेंज करने के बाद में मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं रिले को, लगा के वापस से दूसरी रिले लगाएंगे कम्प्लीटली। एक बार टोटली सभी रिलों को चेक करनी है कि उनमें भी मॉइस्चर है कि नहीं है। तो आपको दिखा देता हूँ, इसमें मॉइस्चर आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो रखी है इसकी। तो फाइनली सभी रिले को निकालनी है और इसको क्लीन भी करना है अच्छे से। ये आप भी देख, इसकी भी कंडीशन देख सकते हो। तो टोटली वन बाई वन कम्प्लीट रिले निकालना है मेरे को, आप देख सकते हो। इसमें भी देख सकते हो, इधर मॉइस्चर भी दिखा देता हूँ। तो सारे रिले स्टिक होने की वजह से ही मेरा प्रॉब्लम है। ये मेरा मेन रिले है, पूरे सभी में मॉइस्चर जाने की वजह से दिक्कत आ रहा है। इधर भी देख सकते हो, कम्प्लीटली सबको निकालना है क्योंकि सब में वाइट सरफेस गया हुआ है। तो एक अच्छे से क्लीन करेंगे इसको, तो एक बार इनको निकाल ही लेते हैं सभी को। फ्यूज़ का कंडीशन भी सही है मेरा, फ्यूज़ बाहर निकालने के बाद में इनको क्लीनिंग करना है अच्छे से। आप देख सकते हो क्या हालत बन रखी है इनकी, अच्छे से मॉइस्चर आ रखा है बहुत तरीके से इसे कह सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले इनका एयर मारना है, एयर का पाइप निकालना है और सबसे पहले एयर से क्लीन करना। तो मैंने इस पर मल्टी यूज स्प्रे लगा रखा है, आप देख सकते हो ये मेरा मल्टी यूज स्प्रे है। ये आपको दिखाएगा, जो 5 मिनट के लिए वेट करेंगे ताकि इनका अच्छे से मॉइस्चर निकल जाए और इनमें लुब्रिकेंट और मॉइस्चर दोनों ही, मॉइस्चर निकल जाएगा और लुब्रिकेंट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो। इसको क्लीनिंग भी करना है, 5 मिनट के लिए वेट करते हैं और इनको भी अच्छे से मल्टी स्प्रे से क्लीन करेंगे सारे रिले वगैरह को। तो फाइनली मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, आपको दिखा दूँगा, प्लस ऑन कर लेता हूँ। देख सकते हो अच्छे से लुब्रिकेंट भी हो गया है और अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई है, पूरा मॉइस्चर निकल गया है मेरा। मल्टी स्प्रे यूज़ में लिया था, ये मेरी रिले वगैरह है क्योंकि मैंने नेगेटिव टर्मिनल हटा के ही काम करना है, पहले मैंने हटाया नहीं था उसके लिए काफ़ी सॉरी। और दूसरा मैं आपको हटा के काम करना है, प्रिसीजन का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें रिले वगैरह क्लीन करना है आपको, रिले मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, तो फिक्स करते हैं और देखते हैं। तो अच्छे से वापस से इंस्टॉलेशन कर देना है वन बाई वन, ये भी मैंने पहले भी कर दिया था, बाकी भी और अगेन कर देता हूँ। कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना है, ब्लैक वाली रिले ब्लैक में ही लगाना है, प्रिंट सी नहीं लगानी है। तो आप देख सकते हो कंप्लीट फिटिंग कर दिया है मैंने, गाड़ी का कंडीशन देखते हैं। और ये मेरा जो इसका इंजन फ्यूज बुक कवर है ये भी नया डालेंगे, बाहर स्टोर में पता करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी का इंटरनल चीज चेक करते हैं, इसका क्या कंडीशन है। गाड़ी चेक करते हैं, तो मैंने सारे फ्यूज़ बॉक्स वगैरह कवर प्रॉपर से लगा दिया है, फ्यूज़ बॉक्स में सारे फ्यूज़ और रिले प्रॉपर से लगा दिया। और गाड़ी को वापस कंडीशन देखते हैं, अभी तो पूरा प्रॉपर लाइट आ रहा है मेरा, 8 से 10 बार चेक करना है।
गाड़ी को स्टार्ट भी कर रहे हैं तो अच्छे से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने रिले वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इसको 2-2.5 घंटे वापस से वेट करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वापस से वो सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं जब तक फ्यूज बॉक्स की ट्राई कर रहा हूँ कि फ्यूज बॉक्स है कि नहीं अपने पास, तो 2 घंटे बाद में मिलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कंडीशन आ रहा है। फाइनली 3-4 घंटे गाड़ी को होल्ड हो गए हैं और गाड़ी को चेक करते हैं एक बार। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया था, आके चेक किया था, तो प्रॉब्लम मेरा रिजोल्व हो चुका है। फाइनली जो प्रॉब्लम था मेरा वो रिले का था, रिले एंड फ्यूज का था, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। मॉइस्चर जाने की वजह से सम टाइम वो जो रिले को सप्लाई दे रहा था फ्यूज, वो स्टिक हो रही थी, तो मैंने उनको एक्सचेंज भी कर दिया है। बाकी रिले में प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा स्टिक होने की वजह से दिक्कत था मॉइस्चर की वजह से। तो गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं, गाड़ी अभी भी नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है। वापस अगेन चेक करते हैं तो गाड़ी बढ़िया स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। वापस अगेन स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को ऑफ करते हैं और एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ फ्यूज बॉक्स का। तो ऑफ कर दिया मैंने, बाहर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, जो ये मेरा जो रिले है वो डीजल इंजेक्शन ईसीयू का रिले है, जो पंप का रिले है। तो ईसीयू जो फ्यूल सप्लाई के लिए रिले होता है वो रिले है, तो डीजल इंजेक्शन ईसीयू के लिए काम करता है, तो इंजेक्शन का रिले है, डीजल इंजेक्शन ईसीयू रिले है। और मेरा जो प्रॉब्लम है, एक ये जो मेरा फ्यूज है 30 एम्पीयर का आप देख सकते हो, इसमें भी ये जो मेरा है वो ईसीयू की सप्लाई का फ्यूज है, तो इसकी वजह से भी मेरा लाइट नहीं आएगा। तो आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ और अंदर का फ्यूज दिखा देता हूँ कि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं पहले। तो ओपन करने के उधर फ्यूज ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, इससे भी लाइट नहीं आएगा मेरा। देखो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ बार बार, इससे भी मेरा लाइट आकर, ये दोनों लाइट नहीं आ रही है। तो आपको 30 एम्पीयर का जो डीजल इंजेक्शन ईसीयू रिले है वो चेक करना है, 983 कंपोनेंट है, और जो मेरा 30 एम्पीयर का जो फ्यूज है वो ईसीयू सप्लाई का फ्यूज है, तो उसको भी चेक करना है आपको। अगर वो भी प्रॉब्लम करेगा तब भी मेरा लाइट नहीं आएगा जो मेरा लाइट आया था उसके अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी 30 एम्पीयर का रिले और जो मेरा मैं जो 40 एम्पीयर का जो रिले है वो रिले डीजल इंजेक्शन ईसीयू का रिले है, जो पंप का रिले है, तो वो फ्यूल सप्लाई कट ऑफ कर देगा तब भी मेरा लाइट नहीं आएगा। तो जिस फ्यूज़ को वापस से अगेन एक बार चेक करते हैं और शायद हो सके तो रिप्लेस ही करना है, तो पहले एक बार चेक करते हैं क्या कंडीशन है। वापस से फ्यूज बॉक्स कंपार्टमेंट में चलते हैं, तो ऑफ करना है पहले। तो आप देख सकते हो मैंने निकाल रखा है, और इधर की कंडीशन दिखाऊँ आपको फ्यूज की, मैं फ्यूज की आप कंडीशन देख सकते हो, इधर ले लेता हूँ आप अच्छे क्लियर से देखें। तो फ्यूज का जो इंटरनल पार्ट है यहाँ से देख सकते हो, तो वाटर गया हुआ है। जैसे भी थोड़ा एक बार रोटेशन करके दिखा देता हूँ, जैसे नहीं दिखेगा इधर से दिखा देता हूँ, तो पानी गया हुआ है फ्यूज के अंदर। तो मेरे को ये कम्प्लीटली फ्यूज रिप्लेस ही करना है ताकि दिक्कत ना आए कभी, क्योंकि इसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर गया हुआ है, तो इसे रिप्लेस करने में ही फ़ायदा है। और रिले को तो मैंने ओपन करके देख लिया था, अंदर इंटरनल वाटर नहीं था, बाहरी वाटर था, तो वो टिन के अंदर मॉइस्चर या पानी जाने की वजह से दिक्कत कर रहा था। तो मैंने नया फ्यूज ले लिया है, मेरे पास में सेम रेटिंग का फ्यूज लगाना है, लेकिन सेम रेटिंग का फ्यूज नहीं था इसलिए 40 का लगाया है। तो लोअर नहीं लगाना है, थोड़ा सा आप चलेगा लेकिन लोअर नहीं लगाना है। तो 40 नंबर का फ्यूज रिप्लेस करेंगे अपन, क्योंकि ये फ्यूज प्रॉपर से इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि अंदर मॉइस्चर गया हुआ है तो ये कभी भी दिक्कत कर सकता है, तो इसे रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर देते हैं। वैसे आपको सेम रेटिंग का फ्यूज लगाना है, अगर फिर भी आपका फ्यूज ना हो तो आप थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा एम्पीयर का नहीं, हल्का सा एम्पीयर का चेंज कर सकते हो। बाकी रिकमेंडेड आपको सेम एम्पीयर का रेटिंग का लगाना है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट मैं आपको फॉल्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास सेम रेटिंग का फ्यूज आएगा मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगाना है सेम रेटिंग का फ्यूज, 30 एम्पीयर का ही लगाना है, क्योंकि 30 एम्पीयर का ही लगता है। तो एक बार चेक करते हैं, तो यही मेरा प्रॉब्लम है। देख सकते हो स्विच ऑन किया मैंने और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो रिले तो मेरा एकदम मैंने ओपन करके देख लिया था, और फ्यूज में थोड़ा हल्का पानी के जाने से रस्टिंग या मॉइस्चर आने की वजह से मैंने उसको रिप्लेस ही कर दिया है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 150 रुपये का मेरा फ्यूज है, तो उसे रिप्लेस करने में फ़ायदा है क्योंकि इससे काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो गई है। अरे ऐसे केस को पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, नामुमकिन नहीं कह सकते क्योंकि पकड़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।
तो ये मेरा प्रॉब्लम था और फाइनली प्रॉब्लम मिल गया है मेरे को, क्योंकि मैंने जैसे आपको मैं वीडियो बना रहा था उसी समय मेरे को फॉल्ट मिल गया था। तो यही मेरा प्रॉब्लम था, क्लियर है आपके सामने केस, क्लियर है। तो आप ऐसे डायग्नोज करके जब भी आपका इश्यू या इंजन चेक लाइट नहीं आए तो आप इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हो। जो मैंने डीजल इंजेक्शन रिले बताया और जो मेरा 30 एम्पीयर का फ्यूज़ है वो इश्यू के लिए ही स्पेशल बनाया, इश्यू की सप्लाई के लिए है। तो आप ऐसे चेक करके डायग्नोज कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कस्टमर का सम टाइम का प्रॉब्लम था तो मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि गाड़ी एक बार मेरे पास आके चला गया था तो मेरे पास ये कंसर्न नहीं आया था। मैं इसको स्टार्ट कर रहा था तो जैसे मैं वीडियो आपके लिए बना रहा था उसी समय मेरा कंसर्न आया था, तो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है फाइनली। तो थैंक यू दोस्तों।